हेलो झारखंड लर्नर्स ग्रेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। रैपिड फायर टेस्ट का पार्ट नंबर 14 को आज कंटिन्यू करने वाला हूं और इस लेक्चर में बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। मोर देन 30 पॉइंट्स यहां पे डिस्कस करूंगा। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, और एक और जोड़ लीजिए इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट का डेटा। यहां से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है और सारा चीज को मैं कंप्लीट करा चुका हूं। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और आज जो है मोर देन 50 जो इसे पीडीएफ आपसे शेयर किया जाएगा झारखंड जीके से रिलेटेड, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे और इंपोर्टेंट जो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, और सबको आपको रिवाइज जरूर कर लेना है एग्जाम से पहले। तो ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, ऐसे तो अवेलेबल है लेकिन सारा मैं आपको एक जगह कंपाइल करके दे दूंगा। और भी कुछ शेयर करूंगा तो आप लोग उसे कनेक्ट जरूर रहिएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट सेक्शन में यही रहने वाला है वर्ष 2000, और वीडियो का जो प्लेबैक स्पीड होता है उसको 1.5x और मोर आप लोग कर लीजिए, टाइम बचाइए। वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड राज्य का कुल बजट कितना है इसका देख लीजिएगा, आंसर डायरेक्ट याद रखिएगा। 1,16,118 करोड़ जो है से झारखंड का बजट है 2023-24 के लिए, और ये 2022-23 के लिए बजट था 1,01,101 करोड़, ठीक है। इसको 1.01 करोड़ बोला गया था, और इसको अगर शॉर्ट में देखिएगा तो 1.16 जो है ऐसे लाख करोड़ बोला जाता है, सॉरी लाख करोड़ होगा, लाख करोड़ बोला जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1.16 लाख करोड़ भी जो है ऑप्शन में हो सकता है। 2023-24 का बजट जो है 3 मार्च 2023 को पेश किया गया था, डायरेक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है रामेश्वर उरांव के द्वारा, जो कि झारखंड में वर्तमान में देखिएगा तो ये फाइनेंस मिनिस्टर है। कुल बजट इतना हो चुका है, और बाकी 2023-24 के बजट में 15% वृद्धि किया गया था। कहने का तात्पर्य है कि इतना से इतना आने में कितना वृद्धि हुआ, तो 15% वृद्धि हुआ। और इसको देखिएगा तो 2023-24 का जो बजट था उसको जनमत के और करीब लाने के लिए हमीन कर बजट इसका नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के द्वारा मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बजट में कितना राशि आवंटित किया गया है, तो इसको किया गया था 50 करोड़ रुपया। तो बजट में याद रखिएगा, मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपया जो है से आवंटित किया गया था। यहाँ पे देखिएगा, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके मध्य में भी जो है 50 करोड़ रुपया ही जो है आवंटित किया गया था, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बाकी सीरियन ये जो मिलेट्स आप देख रहे हैं, आपको पता होगा 2023 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था, तो इसमें सीरियन के जो उत्पादन को जो है से बढ़ावा देना था, जिसमें बहुत सारा जो अन्न आता है आप लोग इसको देख लीजिएगा, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, और कुछ आता है कुटकू, ये सब ये सब सीरियन होता है, तो उसके लिए भी जो है से मतलब उसके लिए जो है से 50 करोड़ रुपया जो है से आवंटित किया गया था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, सीरियन में क्या क्या आता है ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और हाँ, जो बजट है सेंट्रल बजट उसका भी डेटा आप लोग देख लीजिएगा, वेरियस पार्ट्स में मैं इसको कवर कर चुका हूँ। बजट 2023-24 के अनुसार इनमें से किस जिले में डेयरी प्लांट लगाया जाएगा, रांची, गोड्डा, गिरिडीह या फिर पलामू। इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, आंसर इसका सही है, डेयरी प्लांट लगेगा गिरिडीह में, ठीक है। इसको याद देखिएगा, गिरिडीह और जमशेदपुर में लगेगा नया डेयरी प्लांट। अगर जमशेदपुर देगा तो वह डिस्ट्रिक्ट नहीं देगा, फिर स्थान लिखेगा, ठीक है, क्योंकि जमशेदपुर जो है पूरी सिंहभूम में पड़ता है। रांची में क्या बनेगा, तो यह देखिएगा, नया डेयरी प्लांट दो जगह पे लगेगा, गिरिडीह में और जमशेदपुर में। जबकि रांची में क्या लगेगा, तो मिल्क प्रोडक्ट जो है से प्रोजेक्ट प्लांट लगेगा और मिल्क पाउडर प्लांट लगेगा रांची में, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो 2023-24 में देखिएगा तो गोपालकों को दूध उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि 3 रुपया प्रति लीटर दिया जा रहा था, इसको मैं करंट अफेयर्स में भी डिस्कस आपसे किया था, ठीक है, कि पहले इनिशियली 1 रुपया जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाता था, फिर 2 रुपया दिया गया, और देखा कि मिल्क उत्पादन जैसे जैसे प्रोत्साहन राशि बढ़ाया जा रहा है, बढ़ रहा है, तो अब जो है इसे प्रोत्साहन राशि 3 रुपया कर दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर इसका सी है गिरिडीह, गिरिडीह में सबसे अधिक प्रखंड है, देखिए कभी कभी ऐसा ही होता है, गिरिडीह में सबसे अधिक अनुमंडल है 4, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रखंड पलामू में है 21। बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना है, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये रहने वाला है 11,674 करोड़, ठीक है, डायरेक्ट आप लोग याद देखिए 11,674 करोड़। कभी कभी देखिएगा तो एग्जैक्ट आप डेटा अगर बोलूँ तो 0.57 भी है, ठीक है, इतना इतना है, देख लीजिएगा ऑप्शन, एग्जाम में फंसा सकता है। राजकोषीय घाटा जो रहेगा वह इस जो GSDP का है वह उसका 2.76% रहने वाला है, और इसको देखिएगा तो राउंड ऑफ करके 2.8% भी लिखा जा सकता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। 11,674 करोड़ रुपया जो है से राजकोषीय घाटा है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा 23-24 के अनुसार। बाकी बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में कितने आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा, 500, 600, 700 या फिर 800। आंसर इसका है डी, 800 जो है से आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, आंगनबाड़ी चलो अभियान के तहत जो है से इस बजट में 190 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। जल संसाधन के लिए 1964 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया था। पटमदा और पलामू में देखिएगा तो मेगा लिफ्ट सिंचाई जो है से परियोजना भी प्रस्तावित है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3,542 करोड़ इतना आवंटित किया गया था बजट में। 800 आंगनबाड़ी जो है से भवनों का निर्माण किया जाना था।
बजट 2023-24 के अनुसार कृषि और सबल क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 4627 करोड़, 4337 करोड़, 2337 करोड़ या फिर 6627 करोड़। आंसर इसका ए है। कृषि और जो एलाइड सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर बोलिए, उसके लिए 4627 करोड़ रुपया बजट 2023-24 में आवंटित किया गया है। और ए पॉइंट याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र के लिए जो बजट में वृद्धि किया गया था लास्ट ईयर से, वह 11.84% था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। कृषि में पूछेगा, कृषि के लिए क्षेत्र के लिए जो बजट में वृद्धि किया गया था वह कितना था, तो वह था 11.84%। बाकी पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण के लिए 1968 करोड़ था, और महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा के लिए 7171 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था। आंसर इसका ए, 4627 करोड़। नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर किस स्थान पर आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? बोकारो, दुमका, चाईबासा, फिर इनमें सभी। आंसर इसका डी है। तीनों के तीनों प्लेस पर जो है से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर। इसका स्थापना नेतरहाट विद्यालय का हुआ था 1954 में, ठीक है। और बाकी एक और यह देखेगा, 1963 में अब क्या हुआ था, तिलैया में एक सैनिक स्कूल बना था। ये झारखंड का एकमात्र सैनिक स्कूल है, और जो दूसरा सैनिक स्कूल प्रस्तावित है वह दुमका में प्रस्तावित है। ये सब पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। आंसर इसका इनमें से सभी है। हो सकता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए वहां पे चौथा ऑप्शन डाल के दिया जाए, बोलेगा कि किस स्थान पर नहीं बनाना है। तीन जब रहता है तो चौथा क्वेश्चन उस तरह से बनाया जाने के चौथा ऑप्शन उस तरह से दिया जा सकता है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए यहाँ पे 12546 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था, और उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए 2354.53 करोड़ रुपया जो है से आवंटित किया गया था। ये सारा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बजट 2023-24 के अनुसार किस स्थान पर मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना किया जाएगा? पलामू, चाईबासा, दुमका या फिर इनमें सभी। इसका भी आंसर जो है से डी है, इनमें से सभी। सभी स्थानों पर जो है से मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना किया जाएगा, ठीक है। तो बोकारो और रांची में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, और अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर है रांची। पहले दारू पिलाइए और फिर इसका आदत छुड़ाइए, अच्छा है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। बाकी ये दोनों पॉइंट को भी आप लोग देख लीजिएगा। झारखंड में जो कांके में मनोचिकित्सा संस्थान है उसका स्थापना 17 मई 1918 को किया गया था, ठीक है। कांके याद रखिए, कर्करका भी वहां से गुजरती है। आंसर इसका डी है। तीनों स्थान पे मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना किया जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के विस्तार करके कितने युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, अभी 4 लाख। आंसर इसका जो है भी है, 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को विस्तार करके। और याद रखिएगा, मनरेगा के तहत, तो पॉइंट आप लोग पता होगा, मनरेगा के तहत जो रोजगार सृजन करना है वह लक्ष्य रखा गया कि 9 करोड़ जो है से मानव दिवस रोजगार सृजन करना है। स्वच्छता सर्वेक्षण जो 2022 के अनुसार झारखंड को 100 शहरी निकायों से कम राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका जो है से बी है। दूसरा स्थान जो है से मिला है झारखंड को 100 शहरी निकाय से कम राज्यों की श्रेणी में। बाकी बुंडू और चाईबासा को फीडबैक श्रेणी में सम्मानित किया गया था, दो यह देखिएगा। और 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का अवार्ड मिला जमशेदपुर को, और 1 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का अवार्ड मिला मानगो को, ठीक है। मानगो कहाँ पे है जरा ये बताइएगा, ठीक है। मानगो क्या है? तो एक जो है से देखिएगा, जो नगर निगम है उसमें एक मानगो आता है, ये बताइए कि जरा मानगो है कहाँ। राज्य में नए कारा के निर्माण के साथ साथ किस स्थान पर जो है से उप कारा का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड में 2 स्थानों पर जो बजट आया था उसमें जो है से 2 स्थानों पर उप कारा का निर्माण जो है से किया जाना था। इतना का ये जेल होता है ना, रांची, चक्रधरपुर, चांडिल या फिर बी और सी दोनों। आंसर इसका जो है से बी और सी दोनों होगा। चक्रधरपुर और चांडिल दोनों स्थान पर जो है से उप कारा निर्माण जो है से किया जाएगा, उप कारा का निर्माण किया जाएगा। और कुछ और देख लीजिएगा, नए पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण किया जाना था कुट्टी में, जमशेदपुर में, बरही में, बुंडू में, चांडिल में और पतरातू में। इतना सारा पॉइंट था। और फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा चांडिल में, ठीक है, याद रखिएगा। चांडिल सरायकेला खरसावां में आपको देखने को मिलेगा। झारखंड की आर्थिक समृद्धि दर 2022-23 में कितना परसेंट रहने का अनुमान है? 7.2%, 7.6%, 7.4% या फिर 7%? आंसर इसका जो है सी है, 7.4% आर्थिक समृद्धि दर रहेगा 2022-23 में, ठीक है। और 2023-24 में रहेगा 7.8%। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। बजट 2023-24 के अनुसार किस जनजातीय शासन व्यवस्था के अधिकारियों को दुपहिया वाहन देने मुहैया कराया जाएगा या फिर दिया जाएगा? मांझी शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोर शासन व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका भी है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, जो कि किसका है, यह हो जनजाति का है, ठीक है। और इस शासन व्यवस्था को 1837 में देखिएगा तो जो विल्किंसन थे, थॉमस विल्किंसन, उनके द्वारा जो है से मान्यता दिया गया था। यह हो जनजाति का, जिसको लड़का कोल भी बोला गया है इस आर्टिकल के द्वारा। तो मुंडा क्या देखिएगा, मांझी तो आपको बताओगे संथालों का है, ढोकलो सोहर जो है से एक जैसे
खड़िया जनजाति का है, ठीक है, ये सब कुछ याद रखें। आंसर इसका बी है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो जनजाति का, ये भी ध्यान रखें। 2022-23 में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय जो है से कितना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 57,819 रुपया, 58,819 रुपया, 60,819 रुपया या फिर 65,819 रुपया। आंसर इसका भी है 58,819 रुपया जो है से प्रति व्यक्ति आय है, जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रखिएगा। अलग अलग डेट जगह आपको डेटा अलग अलग मिल सकता है, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है वही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चालू कीमत, ये तो स्थिर कीमत पर हो गया, चालू कीमत पूछेगा तो ये 86,060 रुपया है। प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये 26वां स्थान भारत का है, भारत में झारखंड का है, टॉप पे गोवा आता है ना, याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय में टॉप पे कौन है, तो गोवा है, और झारखंड का स्थान 26वां है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर वाला क्षेत्र कौन सा है, कृषि, वानिकी और मत्स्य, खनन और उत्खनन, उपक्षेत्र, सेवा क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका जो है से ए है, जो एग्रीकल्चर है उसका, फॉरेस्ट्री और जो फिशरी सेक्टर है उस वजह से सर्वाधिक वृद्धि जो है से दर्ज किया था। कितना वृद्धि था तो ये भी याद देखिएगा, 14% जो है जिसमें वृद्धि दर्ज किया गया था। और सेकेंड स्थान पे आया था ए वाला, व्यापार और मरम्मत सेवा, 12.3% जो है जिसमें वृद्धि दर्ज किया गया था। और खनन और देखिएगा जो उत्खनन उपक्षेत्र होता है उसमें निगेटिव जो है से वृद्धि दर्ज किया गया था, ठीक है, 0.6%, यानी कि इतना घट गया था। और झारखंड का GSDB देखिएगा तो भारत का कुल जो है से GDP का 1.6% है, ठीक है, यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, ठीक है, झारखंड का, वो भारत के कुल GDP का 1.6% है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, बजट में सब आ रहा था। 30 जून 2022 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक बैंक शाखाएं किस जिले में है, खुट्टी, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम या फिर रांची। आंसर इसका ए होगा, सॉरी डी होगा, रांची में सर्वाधिक जो है से बैंक की शाखाएं हैं, ठीक है, आंसर इसका लिखा हुआ भी है यहां पे। झारखंड में विगत 4 वर्षों में जो कि है 2015-16 से लेकर 2019-21 तक बहुआयामी निर्धनता 42.16% से घटकर कितना हुआ है, 27.71%, 28.81%, 36.61% या फिर 29.44%। आंसर इसका सही है 36.61% जो है से बहुआयामी निर्धनता जो है से घटा है, 42.16% से इतना हो गया है विगत 4 वर्षों में, आप लोग देखिएगा तो, ठीक है। बहुआयामी निर्धनता जिसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बोलते हैं, ये इंडेक्स भी होता है, नीति आयोग के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया जाता है। एक चीज आप लोग और यह देखिएगा, अभी जनवरी 2024 में डेटा आया था कि जो झारखंड में बहुआयामी निर्धनता है वह जो है से घटकर 28.81% हो गया है, तो ये जनवरी का डेटा अभी हाल ही में ये इसको पब्लिश किया गया था, तो मुझे नहीं लगता है कि ये डेटा आपसे पूछा जाएगा, 36.61% आप लोग याद रखिएगा। बाकी झारखंड का देखिएगा तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट होता है उसका रिपोर्ट में 2022 में 10वां स्थान था 20 राज्यों की श्रेणी में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में भारत में, झारखंड ने इस पर पॉलिसी बनाया था 2015 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। आंसर इसका सी है, झारखंड में सर्वाधिक अटल क्लिनिक वाला जिला कौन सा है, तो यह पूर्वी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक जो है से अटल क्लिनिक है। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, इसी में सबसे अधिक है, उसके बाद धनबाद में है और फिर रांची में सबसे अधिक अटल क्लिनिक है। और पीडीएस डीलर की संख्या पूछा गया सर्वाधिक कहां पे है, तो रांची में सर्वाधिक पीडीएस डीलर है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। झारखंड के देवघर में भारत का 10,000वां जन औषधि केंद्र खोला गया है, ठीक है, जनता जनार्दन ध्यान दें, याद रखिएगा। झारखंड में बीज वितरण हेतु ब्लॉकचेन निर्माण करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है, तो यह पहला राज्य है जो कि ब्लॉकचेन के माध्यम से झारखंड में जो बीज होता है उसको वितरण करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। झारखंड में पूछेगा कि सस्य गहनता कितना है, तो यह 135.8% है, ठीक है, इसको 136 भी आप लोग बोल सकते हैं। सस्य गहनता आपसे कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा कि यह होता है कि एक मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ईयर है तो उसमें एक फील्ड में कितना जो है आप लोग फसल लगा रहे हैं उसको सस्य गहनता बोला जाता है। और मुझे लेक्चर गिनना नहीं रहता है कि ये 14वां लेक्चर है, कुछ क्वेश्चन भी आपसे और एक्स्ट्रा डिस्कस करने वाला हूँ, आइए देखते हैं। गुमानी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, साहिबगंज, गोड्डा, रांची या फिर देवघर। आंसर इसका ए है, साहिबगंज से गुमानी नदी निकलती है। साहिबगंज में कहाँ है भाई, तो यह राजमहल है, ठीक है, या देखिएगा यहाँ पे जो है ब्लैक सॉइल पाया जाता है, इसका जो निर्माण हुआ है जुरासिक एज में हुआ है ना, राजमहल पहाड़ी का। इसकी सहायक नदी मेरल है और मुहाना है, गंगा नदी यानी गंगा नदी में जाकर यह मिल जाती है। कहाँ से गुजरती है, तो साहिबगंज और गोड्डा से यह नदी गुजरती है। बांसलोई नदी देख लीजिएगा, यह बांसबाड़ी गोड्डा से निकलती है, मुहाना इसका हुगली यानी कि हुगली नदी की सहायक नदी है बांसलोई नदी। किस नदी के अपवाह क्षेत्र में खुट्टी में असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं, रारो, कांची, तजना या फिर मोराक्षी। आंसर इसका जो है सी है, तजना नदी के अपवाह क्षेत्र में देखिएगा तो खुट्टी डिस्ट्रिक्ट में असुर सभ्यता के जो है अवशेष मिले हैं। असुर झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है, लोहा गलाना और उसे औजार बनना इनका पारंपरिक पेशा था। असुरी भाषा है, इस जो भाषा होता है ना, जो असुरी भाषा बोलते हैं उसको माले भी इन लोग बोलते हैं ना, माले, और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से बिलोंग करता है।
तरनी देख लीजिएगा, बुंडू तमार से निकलता है और कारो नदी में जाकर यह मिल जाती है। कांची नदी तमार से निकलती है और यह तोरनिखा नदी की सहायक नदी है। रारो देख लीजिएगा, चाईबासा से निकलती है और इसका मुहाना जो है से कारो है, ठीक है, यह देखिए यानी कारो नदी में जाकर मिल जाती है। रारो नदी के तट पर 1920-21 में देखिएगा तो क्या हुआ था, अंग्रेज कौन थे तो मेजर रॉक्सेज और हो लोगों के बीच में संघर्ष हुआ था। मीनाक्षी नदी देख लीजिएगा, त्रिकुटा पर्वत जो है से निकलती है देवघर से और यह जैसे हुल नदी में जाकर मिल जाती है। 250 किलोमीटर इसका लेंथ है, त्रिकुटा पर्वत देवघर में है और उस पर झारखंड का सबसे लंबा बांध भी, बांध नहीं पुल है, 2340, ठीक है, याद रखिएगा इतना मीटर लेंथ है उसका। गुमरो और एरो जैसे किसकी सहायक नदी है, दक्षिणी कोयल, मीनाक्षी, ब्राह्मणी या फिर संघ। आंसर इसका हो जाएगा आपका ब्राह्मणी सी। तो दुधवा पहाड़ी से निकलती है ब्राह्मणी नदी और ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। गुमरो और एरो इसकी सहायक नदियां हैं। शंख नदी गुमला से निकलती है और ये दक्षिणी कोयल में जाकर मिल जाती है। दक्षिणी कोयल नगड़ी रांची से निकलती है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक दक्षिणी कोयल है जिसको साउथ कोयल भी बोल सकते हैं और एक सनडोखा, दोनों जो है से रांची से ही निकलती है, ठीक है, दोनों नगड़ी रांची से ही निकलते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कोयल कारो प्रोजेक्ट ध्यान रखिएगा, दक्षिणी कोयल और एक कारो रिवर है ना, उसी पर है कोयल कारो प्रोजेक्ट। आंसर इसका जो है से सी है, ब्राह्मणी। झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, इसको जैविक मरुस्थल भी बोला जाता है, बंगाल का सोक बोला जाता है, इसको झारखंड में देव नदी या फिर देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह है दामोदर रिवर। टूरी लातेहार से यह निकलती है, प्लामू मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि लातेहार 2001 में प्लामू को अलविदा कर दिया था। सोनरेखा रानीचुहा से निकलती है, वही नगड़ी प्रखंड है रांची से। बराकर पद्मा से निकलती है, हजारीबाग में 225 किलोमीटर इसका लेंथ है। कन्हर सरगुजा से निकलती है छत्तीसगढ़ से, याद रखिएगा। और भंडारी क्षेत्र में प्रवेश करती है सर्वप्रथम झारखंड में गढ़वा। क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आंसर इसका आपको दे गया होगा, क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है गुमला जिला, ठीक है। एरिया देख लीजिएगा, 7224 किलोमीटर स्क्वायर इसका है, पश्चिम सिंहभूम का जो कि टॉप स्थान पे है। सेकंड स्थान पे गुमला आता है जिसका 5360 है, ऐसे याद रखिएगा। और रांची का 5097 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। टॉप 3 जैसे देख लीजिएगा, वेस्ट सिंहभूम है, गुमला है, रांची है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले तीन जिले हैं रामगढ़, ठीक है, 1341, ये तो आपको भूलना नहीं है। उसके बाद लोहरदगा आता है, उसके बाद पाकुड़ आता है। टॉप 3 जो है से एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, ज्यादा वाले भी और कम वाले भी दोनों दे दिया गया है। राही रावण कान्हा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है से किसे दिया गया है, तो मीनास ओड़िया, ए नटराज, मोगला सोरेन या फिर जेसी वेटली। आंसर जो है से इसका है सी, मोगला सोरेन को राही रावण कान्हा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कुछ बुक देख लीजिएगा, ए और नटराज बुक लिखे हैं मुंडारी ग्रामर और ग्रामर ऑफ द कोल। मोगला सोरेन राही रावण कान्हा के राइटर हैं, जेसी विटली हैं मुंडारी प्राइमर, सोसोबोंगा के राइटर हैं जगदीश त्रिगुनायत, ठीक है, याद रखिएगा। मुंडारी लोककथा है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जगदीश त्रिगुनायत के द्वारा। और मुंडा द्रोण लिखा गया है डब्ल्यू जी आर्चर के द्वारा, इसका प्रकाशन 1942 में किया गया था यानी असहयोग आंदोलन के दौरान। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का ये बुक है जॉन हैफमन का, 1915 में इसका प्रकाशन किया गया था। आंसर इसका ऐसी मोगला सोरेन राही रावण। बिसुआ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा या फिर चतरा। आंसर इसका सी है, गोड्डा में बिसुआ मेला का आयोजन किया जाता है। गोड्डा में एक और चीज है, माँ योगिनी शक्तिपीठ, जिसको भावना शक्तिपीठ भी कहा जाता है, लखन पहाड़ी विलेज है, याद रखिए। करमधा मेला जामताड़ा में, माघी पूर्णिमा मेला और बिंदुधाम मेला साहिबगंज लगता है, बिसुआ मेला बसंतराय गोड्डा में लगता है, कुंडा मेला प्रतापपुर चतरा में लगता है। बसंतराय में याद रखिएगा 50 एकड़ में एक तालाब फैला हुआ था ना, याद रखिएगा 50 एकड़ में तालाब फैला हुआ था, वह गोड्डा में ही है। आंसर इसका सी है, गोड्डा। अग्नि नृत्य धार्मिक, जो कि एक धार्मिक नृत्य है, में किसकी पूजा किया जाता है, करम वृक्ष की पूजा, सूर्य की पूजा, सील की पूजा या फिर साल वृक्ष की पूजा। आंसर इसका सी है, सील की पूजा जो है किया जाता है। और यह जो है जो मंडा पर्व होता है, सुने होंगे आप लोग, उसी के दौरान जो है से यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। और मंडा जो पर्व है वह भगवान शिव शंकर को, आशुतोष को से संबंधित है। आंसर इसका जो है सी है, सील की पूजा। साल वृक्ष की पूजा आपको पता होगा, इसमें जो होता है सरहुल पर्व होता है जो कि चैत्र में पड़ता है। और कर्म वृक्ष की जो पूजा किया जाता है, जो कि कर्मा है, वह भादों में किया जाता है। और सूर्य की पूजा के लिए तो बहुत सारा झारखंड में है, ज़्यादातर देखिएगा तो सूर्य को ही जो है सब पूजते हैं। छठ पर्व होता है ना, एक छठ पर्व होता है, उसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। क्वेश्चन ऐसा बन चुका है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है। छौ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन डैश में सुदेंदु नारायण सिंह ने किया था, 1948 या 1958, तो 1938 में किया गया था, जिस समय आदिवासी महासभा का गठन किया गया था उसी टाइम, ठीक है। तो कनेक्ट करके थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं, इनको पद्मश्री कब दिया गया था, पीडीएफ में मैं डाल दूंगा कब दिया गया था, लेकिन आप लोग बताइए कि कब दिया गया था। 2000 से तो पहले है, अब पहले नहीं दिया, मतलब अभी नहीं दिया गया है, पहले दिया गया है। थोड़ा सा आप लोग बताइए कि इनको पद्मश्री कब दिया गया था। 1938, याद रखिएगा, विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन किया गया था छौ नृत्य का 1938 में।
1941 में महात्मा गांधी के समक्ष भी इसका प्रदर्शन किया गया था। और ऐसे तो आप लोग पढ़ते होंगे सरायकेला छव, उसके बाद पुरुलिया छव और एक होता है मयूरभंज छव, लेकिन खुट्टी से एक विकसित है छव का जो है शैली, उसका नाम है सिंगुआ, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 2010 में यूनेस्को का जो हेरिटेज लिस्ट होता है उसमें इसको शामिल किया गया था, ठीक है, छव को। छव का मतलब छाया होता है। भूपोर मंदिर कहाँ पे स्थित है, बोकारो, धनबाद, खुट्टी या फिर रांची? आंसर इसका जो है से भी है, धनबाद में है भूपोर मंदिर, लिलोरी मंदिर, और उसके बाद शक्ति मंदिर, दलमी का बिस्ल मंदिर, सारा का सारा धनबाद में है। गुमला जिले का लिंगानुपात कितना है, तो यह है 993, 993, ठीक है, याद रखिएगा, एरिया वाइज यह दूसरा जिला है, ठीक है। 18 मई 1983 को इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था, रांची से इसको अलग किया गया था, और अभी देखिएगा तो यह दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल में पड़ता है, ठीक है। हेडक्वार्टर गुमला ही है, एरिया इसका 5,360 किलोमीटर स्क्वायर है। सब डिवीजन सब यहाँ पे 3 है, ब्लॉक यहाँ पे 12 है। लिटरेसी रेट यहाँ का 75.55% है। पॉपुलेशन यहाँ पर 1,25,000 समथिंग है, जो कि मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, यहाँ पे डेटा कुछ छूट गया होगा, इसको ठीक कर दिया जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का जो है 191 है, और पॉपुलेशन इंक्रीज रेट यहाँ का 23.16% है। सेक्स रेशियो यहाँ पे 993 है, जो कि यहाँ पे आंसर भी था आपका, और चाइल्ड सेक्स रेशियो 963 है। यहाँ पे विधानसभा के 3 सीटें हैं, आंसर इसका जो है सी है। आज क्लास में इतना ही, आई होप की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। फीडबैक आप जरूर दे दीजिएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं मिलता फीडबैक देने का, टाइम आप लोग वेस्ट मत कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिए, और टेलीग्राम से कनेक्ट जरूर रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।